अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए दाल गोश्त की रेसिपी, वो भी चिकन के दाल गोश्त की। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मटन खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये रेसिपी बेस्ट होगी। वो चिकन के दाल गोश्त बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन कर के तैयार होंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। दाल गोश्त के दाल के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट चाहिए। हमने यहाँ पे 5 टेबल स्पून ले लिया है चने की दाल, और हमने यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून ले लिया है मसूर दाल, और हमने यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून ही ले लिया है तुअर दाल। हमने यहाँ पे नमक लिया है स्वाद अनुसार, और 1/3 टीस्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर, और 1/4 टीस्पून हमने ले लिया है लाल मिर्च पाउडर, और हमने 2 टेबल स्पून ले लिया है धनिया की पत्ती। हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर में तीनों दाल को डाल दिया है, और अब हम इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे पानी। मैं यहाँ पे 1.5 ग्लास के करीब डाल रही हूँ पानी, और इसे डालकर हम जो है इसे ढक कर के पकाएंगे। तो हमने इसे ढक दिया है, हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पकाएंगे, और फिर कर देंगे मीडियम फ्लेम, और हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो दाल हमारी अच्छी तरीके से हो गई है, हमने इसे हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगाया और फिर कर दिया था मीडियम फ्लेम, और 10 से 12 मिनट लगा है इसे होने में। और अब हम दाल में अपने हिसाब से डाल देंगे पानी, और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप। तो चिकन बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पे 500 ग्राम ले लिया है चिकन, और हमने यहाँ पे 400 ग्राम ले लिया है लौकी, और हमने यहाँ पे 3 टमाटर ले लिया है मीडियम साइज़ का, जिन्हें हमने बारीक कट कर लिया है, और हमने यहाँ पे 3 टेबल स्पून ले लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया है, और हमने यहाँ पे 3 तेज़पत्ता ले लिया है, और दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, और हमने यहाँ पे 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 2 लौंग ले लिया है, और हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ले लिया है भुने हुए सौंफ, जीरे और काली मिर्च का पाउडर। हमने इन तीनों चीज़ों को भून लिया था और फिर इसका पाउडर बना लिया है, और हमने यहाँ पे 1/2 टीस्पून ले लिया है लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमने ले लिया है गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने ले लिया है हल्दी का पाउडर, और 1 टीस्पून ही हमने ले लिया है धनिया पाउडर। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और तेल अच्छी तरीके से अब गर्म है, तो हम इसमें सारे खड़े मसालों को डाल देंगे, और इसे हम 30 सेकंड तक बस भून लेंगे लो फ्लेम पे। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज का कलर चेंज हो जाए तब तक के हम इसे भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर को, और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तब तक के जो है हम इसे भून लेंगे, और फ्लेम को रखना है मीडियम, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें नमक ताकि ये थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर हो गए हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे चिकन को, और चिकन को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को, और इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और गरम मसाला पाउडर को, और इन सबको हम जो है अच्छी तरह से भून लेंगे चिकन के साथ। 2 से 3 मिनट तक हमें इन सबको आपस में भून लेना है। आप जितना भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। तो ये अच्छी तरीके से भून चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे लौकी को, और इन सबको आपस में हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी, 1/2 कप के करीब हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि लौकी से भी पानी निकलता है। और इन सबको इस तरह से मिक्स करके हम जो है अब इसे ढक करके पकाएंगे। तो अब हम इसको ढक देंगे। 6 से 7 मिनट हो गया है, और हम इसे खोल करके चेक कर लेंगे। तो अभी जो लौकी चिकन है ये 100% कुक नहीं हुआ है, हमें इसे दाल के साथ पूरी तरह से पकाना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे दाल, और दाल में मैंने पानी डाल दिया था, मुझे जितनी पतली चाहिए थी। आपको जितनी पतली दाल चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं, और इन सब को आपस में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती को, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे भुने हुए जीरे और सौंफ और काली मिर्च के पाउडर को।
और इन सब को हम जो है आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमने इसे मिला लिया है और अब जो है हम इसे ढक करके पकाएंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पे ढक करके पकाएंगे। तो हम इसे ढक देंगे। 5 मिनट हो गया है और अब हम इसे खोल करके चेक कर लेंगे। ये अच्छी तरह से अब हो गया है। तो चलिए अब तड़के के लिए हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है 1 टेबल स्पून। और ऑयल जो है अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। हमने यहाँ पे एक छोटी साइज़ का प्याज लिया है, उसे हम डाल देंगे। और प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगा, ये देखिए प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ते को। हमने यहाँ पे 6 कड़ी पत्ता लिया है, इसे डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर को। जैसे ही हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्का सा हमें डालना है 1/4 टीस्पून। और अब हम फ्लेम को तुरंत ऑफ कर देंगे वरना ये जल जाएगा। और इस तड़के को अब हम जो है दाल गोश्त में डाल देंगे। और बस लीजिए, हमारा दाल गोश्त बन करके तैयार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।